नरेंद्र कुमार अग्रवाल गोला गोकर्ण छोटे का अस्सी से। आज मैं लखीमपुर खीरी आया हूँ। मैं आज स्टेशन आया हूँ, स्टेशन में जानना चाहता हूँ कि ये टाइम कितने दिन से के बाद ट्रेन चालू होगी और मुसाफिर लोगों की कठिनाइयाँ दूर होगी, इसलिए मैं लखीमपुर आया हूँ। अब यहीं से लोगों को से पूछते हैं कि सर यहाँ पर कितना समय लगेगा काम होने में। इसी हिसाब से मैं स्टेशन के अंदर एंट्री भी कर चुका हूँ, अब मैं अंदर ही जा रहा हूँ। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूँ ये काम कब और कैसे चालू होगा और जो मुसाफिरों को कठिनाई झेलनी पड़ रही है वो कब दूर होगी, क्योंकि मैं भी अभी गाड़ी से आया हूँ, मुझे पता है कितने मुसाफिरों लोगों की कठिनाई झेलनी पड़ रही है। इसी में जो लखीमपुर से गोला जाते हैं या लखीमपुर से गोला से लखीमपुर आते हैं उनको कितनी दिक्कतें होती होंगी मुसाफिरों को, मैं आज ये पता लगाना है ट्रेन कब चालू होगी और कैसा चल रहा है यहाँ पे काम। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ स्टेशन। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि लोग काम कर रहे हैं और काम भी चल रहा है, ऐसी बात नहीं है, काम भी चल रहा है और काम भी जोरों से चल रहा है जैसे आप देख रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी ठेकेदार भी लगे हैं काम करने के लिए जैसे आपको दिख रहे हैं आप, और काम भी चल रहा है क्योंकि लखीमपुर से गोला जाते हैं, गोला से लखीमपुर आते हैं, काफ़ी सरकारी ऑफिस के लोग भी हैं जो प्राइवेट काम करते हैं वो भी, उनको भी तकलीफ झेलनी पड़ रही है क्योंकि प्राइवेट बसों का भी तरीका कुछ अजीब है, जब गाड़ियां मुसाफिर भर जाएंगे तभी वो चलाएंगे गाड़ियां। मैं नीचे उतर रहा हूँ, यहाँ पे काम चल रहा है, काफ़ी ठेकेदार भी लगे हैं यहाँ पे। मैं ऊपर पहुंच चुका हूं, अब इन्हीं लोगों से पूछता हूं कि ये काम कब तक चालू होगा। सर कितना टाइम लगेगा सर? ये अब उम्मीद तो है कि जल्दी ही ये लोग खींच रहे हैं काम को। यहां उन्होंने बताया है कि उम्मीद है बहुत जल्दी काम खींच रहे। यहीं पे हमारे सर भी खड़े हैं ठेकेदार, मैं उन्हीं से पूछता हूँ कि सर कितनी जल्दी चालू होता है? बस उम्मीद मार्च तक की जगाई जा रही है कि चालू हो जाएगा। जी जी जी, मार्च तक जो है कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आप देख और रहे हैं बाबा हमारे इंजीनियर साहब हैं, अच्छा तो बताएंगे यहाँ पे जो ये जो बना रहे हैं यही के जो फिल्टर, हाँ चीज जो बताना है इंजीनियर साहब हैं जी, ये लोहे का काम करते हैं। काम काफी तेजी से चल रहा है और हमें उम्मीद है कि मार्च तक ये चालू हो जाएगी। मार्च तक चालू हो जाएगा? श्योर है मार्च तक चालू हो जाएगा? जी उम्मीद है पक्का जी, बहुत अच्छी बात है। यहीं पे हमारे दूसरे ठेकेदार हैं सर, काम हमारा बहुत तेजी से प्रोग्रेस पे है, जल्द से जल्द काम चालू हो जाएगा, ये है कि मार्च लास्ट तक ट्रेन चल जाएगी। यहाँ पे भैया ने बताया है कि दावा कहा है कि मार्च तक ट्रेन चल देगी, क्योंकि मुसाफिर लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रही है जो गोला से लखीमपुर जा रहे हैं, लखीमपुर से गोला आ रहे हैं, काफ़ी दिक्कत हो रही है। काम जैसे आप देख रहे चल रहा है, काम अपनी स्पीड पकड़ चुका है, हाँ काफ़ी यहाँ पे काम पकड़ चुका है। यहीं पे हमारे गोला के भुचंद भी हैं जो यहाँ पे उनका ठेके, हाँ सर कितनी जल्दी लगेगा काम? मार्च में स्टार्ट हो जाएगा पक्का है? पक्का। यहाँ सारे दल का कहना है कि यहाँ मार्च तक काम चालू हो जाएगा। यहीं पे लोग भी खड़े हैं, मैं उन्हीं से पूछ लूँ कि ये काम कितनी जल्दी चालू होगा। सर ये काम कितनी जल्दी चालू हो जाएगा? अब ये हम लोग तो ऐसे विजिटर्स हैं, हाँ जी, अब ये लोग मई जून बताते हैं, उनसे पूछो, उनसे वो बता दिया उन्होंने, हाँ तो उन्होंने मार्च को बताया, मार्च तक। अच्छा, हम लोग को भी यही बता रहे हैं, समथिंग समथिंग मार्च छः महीने बता रहे हैं। कौन सा पेपर है? मेरा NM न्यूज। अच्छा, यहाँ पे भैया जी खड़े थे, उन्होंने बताया कि जैसे ये लोग बता रहे हैं मार्च तक, तो शायद उनका भी कहना है शायद जरूर चालू हो जाएगा, क्योंकि भैया यात्री वालों को काफ़ी तकलीफ हो रही है। मैं खुद बस से आया हूँ, मुझे पता है कितनी तकलीफ हो रही है। यहाँ पे हमारे पीछे काफ़ी पब्लिक भी खड़ी है, मैं पब्लिक से ही पूछता हूँ कि यहाँ पे काम कब और कैसे जल्दी चालू होगा, कितने आप लोगों को तकलीफ हो रही? सर आपको ट्रेन ना चलने के चक्कर तकलीफ तो होती होगी? हाँ काफ़ी तकलीफ हो रही है, लखनऊ वगैरह जाने के लिए हम लोगों को बसों का सहारा लेना पड़ता है। और एक चीज़ और भी कहनी है कि जो
जिस जगह पर प्लेटफार्म बन रहा है उसके पड़ोस में मोहल्ला ईदगाह बसा हुआ है, हजारों आदमियों की बस्ती है, उसके लिए एक जनता ब्रिज की भी आवश्यकता है, उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। यहाँ पे भैया ने कहा स्टेशन तो बनना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे पड़ोस में भी एक बस्ती है, जो कौन सी बस्ती बताइए? मोहल्ला ईदगाह, उसके लिए भी हाँ वहाँ हजारों लोगों की बस्ती है। ईदगाह मोहल्ला जो स्टेशन के पड़ोस में पड़ता वो चाहते हैं कि उसमें भी कोई रास्ता बने या कोई पुल बने। ये जनता ब्रिज इसी को जोड़ करके जो ब्रिज दो नंबर पर बन रहा है, इसको अगर जनता ब्रिज से जोड़ दिया जाए तो यात्रियों को इधर से निकल करके उधर जाने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। भैया ने सही कहा कि अगर ये पुल इधर से जोड़ दिया जाए तो लोगों को काफ़ी सुविधा होगी कि आस पड़ोस लोगों को दिक्कत भी ना हो। मैं NAM न्यूज़